अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये त्रासदी आई है, जहां पर मकान ढह गए हैं। ये शिमला जिला में पड़ता है मेज, और यहां पर जो स्थानीय निवासी हैं, जो आपदा प्रभावित हैं, वो हमारे साथ हैं। रामलाल जी हमारे साथ हैं। तक जरा बताएं इस त्रासदी के बारे में, जो ये घर बचे हैं इनमें कौन कौन लोग रहते थे, और आपका घर कहाँ था? हमारे पाली तरफ है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, वहीं अच्छा। यहीं बस में ये जी आता पाली तरफ में ना, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट अच्छा। में तो हम पार रहते, घर जो यहाँ गाय रखते थे हम सिर्फ, केवल मात्र। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये हमें देखिए जिंदगी के नाम पर हमें सिर्फ एक गाय दिखी है यहाँ पे। ये गाय आपकी है? गाय जिंदगी के नाम से एक ही गाय, एक ही मेरी गाय बची है, केवल मात्र। ये आपकी गाय? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और इसको? और मेरे ही ये घर बचे हैं, बाकी सारा। ये कितने घर हैं आपके? एक दो तीन घर है जी। ये तीन घर आप ही के? हाँ, ये वो है सामुदायिक भवन है, पंचायत वालों ने बनाया हुआ। अच्छा, आगे चलिए, जरा ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, क्या डिस्पेंसरी चलती थी यहाँ पे? कई अब तो पार बन गया था बिल्डिंग तो ना, ये पहले यहाँ रखते थे मतलब। और यहाँ पर देखिए आप त्रासदी के निशान किस तरह से, मलबा उस घर के नीचे जहाँ पर पहले डिस्पेंसरी हुआ करती थी, उसके बाद ये मलबा किस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। और घर देखिए, जरा बताएं उस त्रासदी के बारे में, आपका कोई अपना बचा है सुरक्षित? या हमारा बाकी तो सुरक्षित, हम पार रहते थे ना जी यहाँ। अच्छा। एक अकेली गाय रखते थे हम। अच्छा, बस अकेली गाय बची और मेरे ही ये मकान बचे और ये बच गए, तो भगवान की कृपा है। तो ये तो वैसे डेंजर जोन तो सबसे ज्यादा ये था हमारा खतरे में। अच्छा। पर ये बच गया, जो पार कोई खतरा नहीं था उनको, ये सारे नीचे भी कोई खतरा नहीं था, सारे साफ हो। तो हमारे पता नहीं ये किस्मत, ये भगवान की कृपा से, ये श्री खंड महादेव की कृपा से बोलना है। गाय एक थी यहाँ पर, केवल एक ही रहती थी, इधर को नीचे रहते थे नीचे को ना, वहाँ तो गाय थी पड़ी। अच्छा, यहाँ पर कितने मकान थे? यहाँ से हम निकल सकते हैं आगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बताएं जरा यहाँ कितने मकान थे, और क्या जो सरकार कह रही है कि 36 लोग लापता है, क्या 36 लोग ही थे या और भी हो सकते हैं? और भी नहीं, जो इसमें दब गए तो 36 लोग दबे हैं। अच्छा, और तो कुछ बच भी गए हैं मतलब। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ। जो यहाँ रहते थे कुछ बच भी गए, थोड़े बहुत जो भाग गए ना, दो बुढ़ा बुढ़ी यहाँ थे निचली तरफ एक मकान। अच्छा, वो बच गए और मकान तो ढह गया। अच्छा, हाँ जी, मकान ढह गया। हाँ जी हाँ जी। यहाँ कितने घर थे जी? यहाँ तो जो बच्चे है तो यही थे ना जी, इससे आगे एक दो तीन चार पांच छह घर थे, इससे आगे पांच छह घर थे। हाँ, वो तो सारे चले गए कहने मतलब। अच्छा, तो ये गाय भी एक दिन फिर भूखी प्यासी रही? दो दिन तो भूखी प्यासी रही जी। अच्छा, तो दो दिन में शाम के टाइम मैंने ऊपर से घर से गांव से अपने परिवार बुलाया ना, गांव में रहते कोई परिवार, उन्होंने यहाँ घास दिया इसको। बाकी तो ये बेचारी 10 किलो लीटर दूध देती है, 4 किलो लीटर में आई। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए गांव जब उजड़ता है उसके बाद किस तरह की स्थिति रहती है। और यहाँ पर छोटी छोटी क्यारियां हमें नजर आ रही हैं कि लोगों ने अपने लिए किस तरह से क्यारियों में अपने लिए सब्जियां लगाई होती हैं। ये मिर्च के पौधे हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मिर्च लगाई ही। और उसके बाद आप देखिए गांव में जिस तरह की फल सब्जियां होती हैं, और किस तरह से यहाँ पर अब परेशानी नजर आ रही है। तो देखिए उस त्रासदी के बाद की ये तस्वीरें, जिंदगी के नाम पर वो जो दो पति पत्नी जिनके जो हमें कल मिले थे, उन्होंने बताया वो किस तरह से, वो चंद्र कुमार जी 64 वर्ष उनकी आयु है, और उनकी पत्नी वो बचे, वो जब वो घर से निकले, जब ये त्रासदी आई तो उनके पांव में चप्पल भी नहीं थी। और यहाँ पर एक ये गाय नजर आ रही है, और ये गाय रामलाल जी की है, रामलाल जी हमारे साथ हैं। जरा बताएं, यहाँ तो मुझे लग रहा है कि खतरा इस तरफ ज्यादा था जैसे आपने पहले बताया, और ये जो घर जो अभी खड़े हैं
जिनमें मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, ये खाली थे। हाँ जी हाँ जी, ये खाली थे जो बच्चे अभी थे, बाकी जो इससे नीचे जो थे वो सारे चले गए, पशु थे जो भी रहते थे वहां पर वो सारा चले गया। फिर केवल मात्र खाली में ये एक गाय बची और बेमकान भी सेब बचे हुए लगभग। सेब तो क्या है, तो ये भी डंजर है ना, मलबे दबे हुए भी और दरारे भी है इसमें। हाँ जी हाँ जी, आपका कितना नुकसान है? नुकसान तो बहुत है, अब क्या कह सकते हैं। ये दरारे हैं और ये यहाँ सब्जियां थी, पाली तरफ वैसे वो भी खतरे में, जैसे जहाँ हमारी दुकान है ना पार, वो भी नीचे स्कूल के साथ, वहाँ भी पर से मक्का आया नीचे तो, पर वो पक्की चट्टान पर एक स्कूल है वहाँ साथ ना। अच्छा। उसने पर से रुक दिया, और उसके साथ ही पल्ली तरफ एक दुकान होया करती थी और मियाँ बीबी थे वो भी, वो उसी मौका ही नहीं मिला, वो उसका घर वाला तो बच गया। अच्छा। वो बीबी को बस करते सामने सामने, वो तो थोड़े से बच गया पानी इधर को, वो उसके उसका नहीं पता ही लगा, उस आंखों के सामने सामने ऐसा हो गया। क्या आपकी, हम समझ सकते हैं कि क्या मनोस्थिति रही होगी, अगर आप साझा कर सके, उस वक्त क्या माहौल था इधर? और माहौल क्या, यहाँ तो कोई पता नहीं, रात को बारिशें हाँ। भी हो रही था, अंधेरा था, बस आवाज ही आवाज सुन रहे थे भाई, आवाज का सारे मकान हिलाए थे तब तो। वहाँ अंदर रहना बड़ा मुश्किल हो गया था, अंदर रहे हम, बाहर रहे, बाहर अंदर रहे तो डर लग रहा कि मकान भी गिर गया। तो सबसे पहली कोशिश यही होती है कि धैर्य, एक दूसरे को बचाया जाए, जितने ज्यादा लोग हों उनको बचाया जाए। हाँ जी, वैसे ही किया, सीटियां साटियां मार के इकट्ठे हो गए सारे लोग। हाँ, उस तरह से। हाँ जी, फिर इकट्ठे होके जाके इस गांव में गए, ऊपर को पार ऊपरी तरफ जो गांव है। अच्छा। उसमें नीचे तो रहे नहीं तब कोई नहीं। थोड़ा सा आगे चलते हैं रामलाल जी, अब तो पूरी तरह से देखिए मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। थोड़ा सा जरा हमें बताएं इस गांव के बारे में। यहाँ ऊपर ठीक सामने जो एक तरफ, तो ये कौन सा नाला है, खड जिसे कहा जाता है? परेवाड़ी है, दो खड्डे मिलती है ना, दो खड का मेल है। एक तो आती है गांव खड बोलते इसको, ये मोहल्ली खड बोलते इसको। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी, ये इसके दोनों खड का मेल यहाँ है। अच्छा। तो ये यहाँ ऊपर क्या था, कौन सी जगह? ये जो सामने है, ये तो जमीन, जमीन में भी थी और मकान भी था। यहाँ मुझे बताया गया कि जो कुछ लोग लोकल थे वो बता रहे थे कि 32 लोग थे यहाँ पर जो लापता है। वो नहीं, इसी जगह में तो लापता तो 16-17 लोग ना, 36 लोग जो गायब है पूरे में। हाँ, पूरे में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ 17-18 लोग थे यहाँ पर जो दब गए हैं। और यहाँ क्या क्या था? यहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो भी था, बिल्डिंग भी थी, नई बिल्डिंग बनी हुई थी वो, और लोगों के प्राइवेट मकान थे बने हुए। अच्छा। हाँ जी, उसमें कोई किरायादार भी रहते थे, कोई बच भी गए, 5-7 बच भी गए, भाग गए जैसे वो शोर की ना, उनको वैसे मैसेज आ गया था ऊपर से बियर साइड से इनके पीछे। अच्छा, इधर जो गांव है। हाँ ना, बियर साइड है इनके पीछे नाले में ना, जहाँ से खड़ा पानी लाया हुआ इन्होंने, तो पानी तो बहुत दूर से अंडरग्राउंड एक ही टनल डाली है ना, टनल से यहाँ एक पावर प्रोजेक्ट बनाया ना। अच्छा। वो उन्होंने मैसेज कर दिया था कि यहाँ से कुछ बहुत पेड़ पहाड़ आ रहे भाई, बच्चों भाई खतरा रखना, इन लोगों ने भी ऐसा होती इतना काम बढ़ना था बहन। हाँ। तो वैसा कर करते जितने में वो आ ही गया तो बचने की कोशिश की, फिर कहा इसने सीधा ही गिरा दे दिया, पार हो गया। 25 मकान बताया गया जिला प्रशासन की तरफ से, 25 मकान थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए। पूरी तरह से हो तो खत्म है, जो जहाँ बाढ़ आई हो तो पूरी तरह से खत्म है, उनका नामो निशान नहीं। और जमीनी जमीनें कितनी थी लोगों की? जमीनें तो इस टप्पू में थी थोड़ी सी। अच्छा। और इधर इसमें था नीचे को। अच्छा। ये थी जमीनें। क्या जमीन में क्या उगाते थे? ये साग सब्जी उगाते थे, मक्की मुक्की भी उगाते, धान भी उगाते थे। आपकी इतनी उम्र हुई, क्या कभी इस नाले ने नाले से अंदेशा हुआ कभी कि कोई बड़ा खतरा हो सकता है? बड़ा खतरा कुछ नहीं हुआ, पर इतना है कि बाढ़ तो आई है पर जान माल का कुछ नहीं, और इतना नहीं फैला था वो खड्ड जो इसका छोटा मोटा। हाँ, रास्ता तो इसमें ही इधर उधर बढ़े फुल हो जा करती थी, तो इस बार तो भाई कहना ही मुश्किल है, तो क्या ये तो कुदरत का करिश्मा है क्या हुआ। और नीचे जो ये वाला घर जहाँ से हम ऊपर आए हैं, यहाँ पर हमें कुछ कपड़े ओढ़ने के उन लोगों ने रखे थे।
किसने? ये जो नीचे रहते थे ना, पहले भी उनका खतरा हो गया था नीचे ना। अच्छा। फिर कपड़े रखे थे ना ऊपर को। अच्छा। फिर मकान दूसरा जहाँ ये लेंटर पड़ा हुआ ना नीचे, जहाँ पर ये हाँ जी सेना के जवान बस बस हाँ वहाँ था। किसका मकान था जी? ये वही दो बुड्ढों का था, चंद्र सिंह वगैरह का। अच्छा, जो बचे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, वही इधर को आ गया। हाँ, तीन कमरे थे। अच्छा। तीन कमरे एक किचन था शायद। दो मंजिला था? ना, एक ही मंजिला था। एक ही मंजिला था। दूसरा मकान काफी बड़ा दिख रहा है। हाँ, लेंटर तो बड़ा था वैसे। अच्छा, आगे तो रहते थे। हाँ, आगे फिर नीचे थे, चार पांच मकान नीचे भी थे, उसमें गए हो 11 आदमी। अच्छा, वो तो सारे गए जो थे, कुछ नहीं रहा भाई यहाँ तो। जहाँ ये गया वहाँ कुछ नहीं रखा, मतलब जो ये खाली थे ये सही पर है। अच्छा, ये सारे खाली? हाँ जी हाँ जी। और यहाँ मुझे जूते दिख रहे हैं, ये तो पहले रहते थे कोई हमारे लेबर लुबर वाले थे ना जी। अच्छा, उन्होंने छोड़ रखे। हाँ जी हाँ जी, किराए पर देते है, कोई लेबर लुबर आते ना काम करने यहाँ। अच्छा। तो उनके लिए रखा था, मैं उनके जूते होने पड़े हुए। पूरे गांव की कितनी आबादी हो सकती है? पूरे गांव की ज्यादा तो आबादी नहीं थी यहाँ पर। अच्छा। हाँ, और कितनी हो? यही हो सकती 40-60 आदमी ज्यादा रहते तो, किरायादार करके तो 101 आदमी रहते हैं सारे। अच्छा। 100 भी नहीं थे मेरे ख्याल। बहुत मुश्किल घड़ी है, सरकार की तरफ से जो आश्वासन मिला है, राहत मिली है सरकार की तरफ? मिल रही है, जिसके कुछ नहीं रहा ना उनको मिला, हमको तो अभी कोई वो नहीं थी। अच्छा। जो हम इसमें है ना, हमारे को तो कोई कुछ नहीं मिला। के लिए एक राहत की बात है कि आपकी गाय सुरक्षित? हाँ, वो सुरक्षित है जी, यही हमारे को तो कोई वो नहीं है कि हम सुरक्षित रहे, हमारे को किस चीज की जरूरत भी नहीं है। भगवान उसी को देखता है कि जो हमें सच्चे दिल के आदमी, हम किसी के प्रति कोई हमारा वो नहीं है। अच्छा है कोई, अपने को देखो, अच्छा कर्म करो, भगवान का नाम लो। कोई ये कह रहा था मुझे, शुरुआत में कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगे, क्या ये भी एक वजह है कि ये त्रासदी बढ़ रही है, अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण हो रहा है? वो तो वैज्ञानिक तरीके निर्माण का तो कोई वो नहीं है ना, जो त्रासदी हुई है ये इनके पावर प्रोजेक्ट ने, तो ऊपर से आया ना वहाँ श्रीखंड महादेव के, इससे वहाँ से तब हुआ। अदरवाइज तीन तरफ गया है, घानुआ गया उधर, बाजीपुर साइड गया, तीन तरफ जाते ना वहाँ से नाले, तो वो ऊपर उस टप्पू में आया, उस टप्पू से गिरा हुआ, इधर को भी गिरा, इधर को तो नीचे जाके तो ये बनना ही था, महज बराट रूप लेना था इसने, तो पानी का बहाव अपना रास्ता इसने तो लेना ही था, चाहे इसके लिए जो मर्जी आए, चाहे जो मर्जी आए, इसलिए अपना रास्ता लेना ही लेना। और ये वाली, ये वाला जो नाला, ये कहाँ से आता है? ये तो मालीखाट बोलते इसको। ये भी इधर पीछे भी आबादी दिख रही है, कौन सा? हाँ, ये सुग्गा गाँव है। अच्छा। इधर को आबादी है बहुत, तो इधर को आबादी है, इधर को है पूरी पंचायत, कोई 300 मकान तो इधर है। अच्छा। हमारी पंचायत सरपारा पंचायत है ना। अच्छा। कोई 300-400 गांव इधर को है, धारा सरगा बोलते है कुल्लू में। अच्छा। तो बहुत पीछे तो आबादी आबादी है ना, यहाँ सोचना कुछ नहीं यहाँ तो। चलिए, शुक्रिया। ठीक है सर, ओके सर। तो रामलाल जी ने हमें बताया कि यहाँ किस तरह का जो है, किस तरह लोग यहाँ पर रहते थे, कितने मकान थे, त्रासदी के वक्त क्या क्या हुआ, और इन्होंने ये भी बताया कि जो सरकारी आंकड़ा है वो बिल्कुल सही है, 36 लोग ही लापता है, और देखिए किस तरह से यहाँ से दुखदाई ये तस्वीरें हैं, और ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद डराने वाली है, पीड़ा देने वाली है, भयाव्य है।